22 अगस्त 2008, इसी दिन इसरो द्वारा चंद्रयान 1 का एक मिशन लॉन्च किया जाता है। चंद्रयान 1 चांद की सरफेस पर जाकर कुछ ऐसी चीजों का खुलासा करता है जिससे पूरी दुनिया में एक तहलका मच जाता है। डेट वॉज वाटर ऑन द मून। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 1 के इस ठोस सबूत को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। ये खबर सुनने के बाद पूरी दुनिया में चांद को एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा जाग उठी और हर देश अपनी तरफ से कई लूनार मिशन लॉन्च करता है ताकि वो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें। जैसे इसराइल, जापान, यूरोप और रशिया ने कई लूनार मिशन लॉन्च किए लेकिन वो फेल हो गए। आज तक किसी भी देश ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी। कुल मिलाकर ये हर देश के लिए नामुमकिन रहा, लेकिन इसी नामुमकिन चीज को इंडिया ने चंद्रयान 3 के जरिए मुमकिन कर दिखाया। अब पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ये बता दिया है कि इंडिया किसी से कम नहीं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 का मिशन चांद के बारे में क्या नए खुलासे करने वाला है और चंद्रयान 2 का मिशन फेल क्यों हो गया था। वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में हम ये भी जानेंगे कि चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या खोज निकाला जिसे सुनकर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैरान हो गए। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुश आमदीद। ये बात शुरू होती है 22 अक्टूबर 2008 में जब एक इम्पैक्ट मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इस मिशन को चंद्रयान 1 नाम दिया गया था। इम्पैक्ट मिशन का मतलब होता है जब कोई स्पेसक्राफ्ट चांद पर जाता है तो उसका एक हिस्सा चांद पर क्रैश करता है जबकि दूसरा हिस्सा ऑर्बिट में घूमता रहता है। चंद्रयान 1 के मिशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसमें एक हिस्सा चंद्रयान से अलग होकर चांद के तरफ बढ़ता है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसे चेस कहा जाता है। चेस जो हर 4 सेकंड में चांद की ओर बढ़ते हुए चांद की रीडिंग लेता है और अंत में चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है। इसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए इसरो को पता चला था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है। जब चंद्रयान का पहला हिस्सा चांद पर गिरता है तो उससे कुछ मिट्टी उड़ती है जो चंद्रयान के दूसरे हिस्से तक पहुंचती है जो चांद के अराउंड चक्कर लगा रहा था। ये मिट्टी बहुत ही नरम थी जिसकी वजह से इसरो को इस बात का कन्फर्मेशन मिल जाता है कि सच में चांद पर पानी मौजूद है। अपनी संतुष्टि पूरी करने के बाद इसरो ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखा कि चांद पर पानी मौजूद है। पर दुख की बात तो ये थी कि किसी भी देश ने इस बात को नहीं माना था। कई सालों के बाद जब नासा ने इस बात की पुष्टि की कि चांद पर पानी मौजूद है तब इसरो का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। अब इसरो वो चीज़ करना चाहता था जिसे आज तक कोई देश नहीं कर पाया। वो था चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 1 के मिशन के 10 साल बाद इसरो ने 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 का मिशन लॉन्च किया। इस बार इसरो ने इम्पैक्ट मिशन लॉन्च ना करते हुए एक रोवर मिशन लॉन्च किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रोवर मिशन क्या होता है। तो आसान शब्दों में कहें तो रोवर एक छोटे से रोबोट होते हैं जिस पर पहिए लगे होते हैं जो लैंडर से बाहर निकलकर चांद के सरफेस पर चलते हैं। इसी रोवर की मदद से चांद के सरफेस को और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। चंद्रयान 2 में भी रोवर और लैंडर लगे हुए थे जिसमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। 6 सितंबर 2019 को जब चंद्रयान 2 चांद के सरफेस पर लैंड करने जा रहा था तभी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से वो चांद पर क्रैश हो जाता है जिससे इसरो का चंद्रयान 2 से संपर्क टूट जाता है और अंत में चंद्रयान 2 का ये मिशन फेल हो गया। चंद्रयान 2 के मिशन के फेल होने के बाद पूरी दुनिया की नज़रों में इसरो की इमेज फिर से डाउन होना शुरू हो गई। हालांकि ये मिशन पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था। दरअसल चंद्रयान 2 के हार्ड लैंडिंग की वजह से सिर्फ लैंडर और रोवर ही प्रभावित हुआ था लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के ऑर्बिट में लगातार चांद के चक्कर काट रहा है और समय समय पर इसरो को चंद्रमा की जानकारी दे रहा है। कुछ दिन पहले ही चंद्रमा 2 के ऑर्बिटल ने इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बाहरी वातावरण में प्लाज्मा डेंसिटी की मौजूदगी के सबूत दिए थे। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिक यही समझते आए थे कि चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है
लेकिन चंद्रमा के ऑर्बिटल ने उन्हें गलत साबित करते हुए चंद्रमा के बाहरी मंडल में ऑर्गन 40 गैस को खोज निकाला है। बस यही इन्फॉर्मेशन इसरो के लिए काफी थी जिससे वो अपनी खोई हुई इमेज वापस बना सकता था। इसरो एक बार फिर से चाहता था कि एक बार उसका डंका फिर से पूरी दुनिया में बजे। दरअसल चंद्रयान 2 जिस मिशन को पूरा नहीं कर पाया था उसे पूरा करने के लिए इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 2 के मिशन में जो भी गलतियां हुई थी इसरो इस बार उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए इसरो ने चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 को इतना मॉडिफाई किया जिससे इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इस बार चंद्रयान 3 में लैंडिंग एरिया को काफ़ी बड़ा कर दिया गया था और फ्यूल की मात्रा को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया था ताकि वो ज़्यादा देर तक हवा में रहकर सेफ लैंडिंग साइट ढूंढ सके। और पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार सॉफ्टवेयर को काफ़ी हद तक अपडेट कर दिया गया है। अगर मॉड्यूल की बात की जाए तो चंद्रयान 3 में 3 मेन मॉड्यूल है, रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन। इस मिशन में भी रोवर का नाम प्रज्ञान और लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। यहाँ पर भी लैंडर का मकसद चंद्रयान 3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है और रोवर उतार कर चांद के सरफेस पर भेजना है। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल का मकसद कुछ अलग ही है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मकसद चंद्रयान को धरती के ऑर्बिट से बाहर निकाल कर उसे चांद के तरफ भेजना है। और जब चंद्रयान 3 चांद के नज़दीक पहुंच जाए तो रोवर और लैंडर को धीरे से अलग करके चांद के सरफेस तक पहुंचाना है। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर मॉड्यूल नहीं है क्योंकि चंद्रमा 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है और उसे ही दोबारा यूज़ किया जाएगा। अब आती है मिशन की बारी। अगर मिशन की बात की जाए तो प्रोपल्शन मॉड्यूल रोवर और लैंडर को खुद से अलग करके चंद्रमा के ऑर्बिट में ही 3 से 6 महीने तक चक्कर लगाएगा और स्पेस में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स के बारे में खोज करेगा। बात की जाए प्रज्ञान रोवर की तो ये चांद पर मौजूद मिट्टी और पत्थर के मिनरल को एनालाइज करेगा। जब रोवर अपना ये काम कर रहा होगा तब लैंडर इसकी पिक्चर क्लिक करते रहेगा और धरती पर भेजता रहेगा। विक्रम लैंडर पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो लेजर की किरणों के जरिए छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाएगा और उससे जो गैस निकलेगी उसे एनालाइज करेगा। साथ ही साथ चांद के टेम्परेचर को भी मेजर करेगा और ये भी बताएगा कि चांद पर कितने अर्थक्वीक आए हैं। दोस्तों 23 अगस्त 2023 के दिन चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद आज हमारा देश सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना के बाद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 14 देश बन चुका है और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। इसरो के चीफ जस्टिस एस सोमनाथ ने कहा है चंद्रयान 3 के पास सिर्फ 14 दिन हैं और चंद्रयान 3 रात के समय इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि रात के समय चांद के साउथ पोल पर टेम्परेचर लगभग -232 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने कम टेम्परेचर में सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। अब बात आती है कि चंद्रयान 3 के मिशन ने ऐसा क्या कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट हैरान हो गए। तो दोस्तों ये हमारे लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने लगभग 10 टन पानी चांद पर खोज निकाला है और ये खोज आगे भी जारी रहेगी। चंद्रयान 3 के द्वारा कुछ पिक्चर ली गई है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, मैं जल्द ही लौटूंगा एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल मिस्ट्री खजाना को सब्सक्राइब करके मेरे स्पेस से जुड़े दूसरे वीडियो भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।